फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा हेल्दी साथ ही बहुत ही ज्यादा टेस्टी केक की रेसिपी। तो आज इस केक को हम बनाएंगे गेहूं के आटे और गुड़ से। तो इस केक में हमने कोई चीनी का यूज नहीं किया है, साथ ही हम इसे बिना ओवन के बनाएंगे और बिना अंडे के। फिर भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनकर तैयार होता है। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है ये केक, तो इस तरीके से आप इस केक को जरूर से ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये हेल्दी सी और टेस्टी सी केक बनाने के लिए हम ले लेंगे आधा कप गुड़। तो मैंने यहाँ पे ये पाउडर गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे इसमें जो थोड़ा सा लाइट कलर वाला गुड़ आता है वो भी ले सकते हैं, या फिर इस तरीके का जो डार्क कलर का गुड़ आता है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये पाउडर गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये पाउडर गुड़ नहीं और इस तरीके का गुड़ है तो आप क्या करें, इसे बिल्कुल अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लें, यानी कि कद्दूकस कर लें, या फिर चाकू की हेल्प से बिल्कुल बारीक बारीक सा इसे चॉप कर लें। तो इस आधे कप गुड़ में हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच दही। तो यहाँ पर ये दही जो हम यूज करेंगे वो फ्रेश होना चाहिए, बहुत ज्यादा खट्टा या पुराना दही यूज ना करें। तो 3 बड़े चम्मच यानी कि 3 टेबलस्पून हमने इसमें दही डाल दिया है। दही से जो हमारा केक है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे ऑयल, तो 1/4 कप यानी कि 60 ml हम यहाँ पर ऑयल डाल देंगे। ऑयल जो भी आप यूज करें उसमें बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होना चाहिए। अब इसमें आधी छोटी चम्मच के जितना हम डाल देंगे वनीला एसेंस। तो ये आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया। अब सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे, और बिल्कुल हमें इसे इस तरीके से मिक्स करना है कि जो गुड़ है वो बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए और बढ़िया से घुल जाए। लगभग 3 से 4 मिनट तक आप इसे लगातार इस तरीके से मिक्स करते रहें ताकि जो हमारा गुड़ है वो अच्छे से घुल जाए। कुछ ही देर में आप देखेंगे गुड़ बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों में मिक्स हो गया और बढ़िया से घुल गया है। अब हम इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें डालेंगे यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा। तो ये गेहूं का आटा मैंने 1 कप ले लिया है। कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें। ग्राम्स में देखें तो 125 ग्राम हमने गेहूं का आटा लिया है। आधी छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर। इसी के साथ 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 1 पिंच के जितना हम इसमें नमक डाल देंगे, और सारी सामग्री को हम अच्छे से यहाँ पे छान लेंगे। तो छानना बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ों को अच्छे से आप छान लें, और बस अब हम इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसमें 1/4 कप दूध डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर बैटर में एक ही बार में आप पूरा दूध ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और अच्छे से मिक्स कर लें, और दूध जो हमारा होगा वो रूम टेम्परेचर वाला ही होना चाहिए। तो इस तरीके से दूध डालकर हम बैटर को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें यहाँ पे 2 चम्मच दूध और डाल दिया है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 1/4 कप प्लस 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है इस तरीके का बैटर बनाने के लिए। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हो सकता है कि आपको सिर्फ 1/4 कप ही दूध लगे, क्योंकि जो हम गेहूं का आटा यूज़ करते हैं उसकी जो क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको दूध कम या ज़्यादा लग सकता है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा लिक्विड बैटर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल टिन ले लिया है जिसे मैंने इस तरीके से बटर पेपर लगा कर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लें और थोड़ा सा आप गेहूं का आटा इस पर डस्ट कर लें, और इस तरीके से आप टिन तैयार कर लें। आप कोई भी टिन में यहाँ पर इस केक को बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बैटर को यहाँ पे तैयार करके रखा है, ये सारा बैटर हम इस तरीके से टिन में डाल देंगे। टिन को हम कुछ 2-3 बार इस तरीके से अच्छे से टैप कर लेंगे, और अब हम इसे ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़े से आज खरबूजे के जो बीज होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ इसे गार्निश करने के लिए। साथ ही इसमें थोड़ा सा पिस्ता भी डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ। यहाँ पर इसे गार्निश करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस केक को बिल्कुल प्लेन बना सकते हैं या फिर अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा केक बिल्कुल अब तैयार है बेक होने के लिए। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो इस केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन को 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया है। बिल्कुल अच्छे से आप इसे प्री हीट कर लें, और इसमें मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है जो कि हम बार बार बेकिंग में यूज़ करते हैं। साथ ही मैंने इसमें इस तरीके की रिंग रख दी है। तो कोई भी वायर स्टैंड या फिर रिंग आप इस तरीके की रख दें, और यहाँ अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी छोटी सी कटोरी रख दें और अच्छे से बिल्कुल हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट कर लें। इस केक को आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं।
अब हम इसमें ये हमारा जो केक टिन है इसे रख देंगे और इसे कवर कर देंगे और यहाँ पर गैस को बिल्कुल हम लो फ्लेम पर रखेंगे और लगभग 35 से 40 मिनट के लिए हमारे केक को अच्छे से बेक होने देंगे। तो आप एक बार 30 से 35 मिनट के बाद केक को ज़रूर से चेक कर लें। अगर आप इसे अवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटेड अवन में आप इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो लगभग मुझे यहाँ पर इस केक को बेक करने के लिए 40 मिनट लग गए थे और 40 मिनट में हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक होकर तैयार हो गया है। तो केक को हम कुछ इस तरीके से चेक कर लेंगे। अगर आपकी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकलती है इसका मतलब आपका केक अच्छे से बेक हो गया है। मैंने इसे 30 मिनट के बाद एक बार चेक किया था लेकिन हल्का सा गीला था केक, तो मैंने इसे वापस से 10 मिनट के लिए बेक कर लिया है। अब हम इसे बाहर निकाल कर पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल अच्छे से अब ठंडा हो गया है, तो इसे डीमोल्ड कर लेंगे, बटर पेपर को निकाल देंगे इस तरीके से और आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारा केक बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस केक को स्लाइसेस में कट कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरीके से अगर आप ये केक बनाते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, ये केक खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ज़रूर से इस केक की रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको आज की हमारी केक की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की और भी आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।